के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका हमारे चैनल में के अवसर में स्वागत है, जिसमें यमे मीन्स मैथ, पीएचवाई मीन्स फिजिक्स। कल हम लोग कूलम्स रूल पे चर्चा किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R। यहां तक हमने आपको करा दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बीमा और आंकिक मान ये आपका छूट गया। तो सबसे पहले इसी को हम क्लियर करा दें। और एक चीज और, इसे हम सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी आप देख लीजिए। वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, बल आपका सदिश राशि होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R² कैप R। ये आपका वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा सदिश रूप में। अब आप देखें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पहले फाइंड करा दें, फिर डायमेंशनल फार्मूला, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप देखो, चूंकि एफ इक्वल एप्सिलॉन नॉट का मात्रक यूनिट, हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R² अब आप देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल Q1 Q2 upon F into R² जिसमें 4 पाई नियर वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना Q1 Q2 upon F into R² into 4 पाई। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होगा, Q1 आवेश है, Q2 भी आपका आवेश है, इनका मात्रक हो जाएगा क्या, कूलम C into C upon फोर्स यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आर डिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है क्या, मीटर यानी मीटर स्क्वायर। अब आप देखो इसको लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे और रूप में आप तोड़ सकते हैं, हमने आप बताया था क्यू बराबर I into T, आई यूनिट होती है एम्पियर, टी की यूनिट होती है सेकेंड, और इस पूरे को मिला के हम कहते हैं कूलम सी। ठीक है, तो यानी सी की प्लेस पर हम एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। फिर दूसरा शब्द देखिए न्यूटन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे को हम कहते हैं न्यूटन। तो न्यूटन के प्लेस पर यह लिख देंगे, कूलम के प्लेस पर यह लिख देंगे, तो आपको मिलेगा एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ इसलिए यहाँ पे भी आपका स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा न्यूटन के प्लेस पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। अब आप देखें ये हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सेकेंड स्क्वायर आपका हो गया अपॉन किलोग्राम मीटर क्यूब। इसको लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड पावर 4 upon kilogram meter। अब आप देखें एक फॉर्मूला, यानी एक आपका यूनिट ये भी हो गया और एक यूनिट आपकी ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम डायमेंशनल फॉर्मूला यानी डिमी सूत्र निकालेंगे किसका, एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, एम्पियर का सिंबल होता है ए, सेकेंड का होता है टी, होल बाई किलोग्राम यानी यम, मीटर यानी यम। तो इसको हम लिख सकते हैं m^-1, l^-3, t^4, a^2। ये आपका जो है एप्सिलॉन नॉट का भी सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट, और ये आपकी इसकी यूनिट हो गई। तो यूनिट और डायमेंशन फार्मूला हो गया। इसके बाद हम जो है इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं।
एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू, देखिए हमने आपको बताया था 1/4 pi epsilon naught = 9 × 10⁻¹. इसमें हमें epsilon naught की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिस इंप्लाइज दैट 1 = 4 pi epsilon naught × 9 × 10⁻¹. दिस इंप्लाइज दैट epsilon naught इक्वल 1/4 pi 9 × 10⁻¹. एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/4, पाई की वैल्यू आपकी हो गई कितनी 22/7 या 3.14, तो 22/7 × 9 × 10⁻¹ या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 7/24 22 4 88 × 9 × 10⁻¹⁹. 9 को पहले जाएंगे प्लस में है तो आप हो जाएगा नेगेटिव, ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 7 × 10⁻¹⁹ होल अपॉन 9 इज 72 और ये हो जाएगा 79, डिवाइड करेंगे 8.85 × 10⁻¹⁹. यूनिट आप हमने निकलवाया था वो यूनिट यहां पर लिखें, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये कल के टॉपिक में इतना टेक्निकल पार्ट के कारण डाउडी हो गई थी, वो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और वो ये है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कंपेयरिंग हम कैसे करेंगे, तुलना कैसे करेंगे। कल हमने आपको बताया था या फिक्वल जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर, यह आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है गुरुत्वाकर्षण बल, और विद्युत बल आपका होता है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ एफ इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square। अब विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण में तुलना यह है कि वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। ठीक, तो अब जो है वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, इसकी दो कंडीशन है, अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो क्या कंडीशन होगी, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है तो क्या कंडीशन होगी। अगर प्रोटॉन और प्रोटॉन है तो जो वैद्युत बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10^36 गुना मैक्सिमम होता है, और यदि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है तो 10^43 गुना। ठीक है, अब इसमें से किसी एक को मैं आपको प्रूफ करके दिखा दे रहा हूं कि किस प्रकार से 10^36 गुना या किस प्रकार से 10^43 गुना आपका यफ की वैल्यू जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, यफ जो है यफ से क्या होता है प्रबल होता है 10^36 गुना या 10^43 गुना। तो उसको आप देखिए, मान लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल आर। अब आप ध्यान दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने हम, वैद्युत बल यफ इक्वल 1/4 pi epsilon naught
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल 9 × 10⁻¹, ये 1/4 ε₀ की वैल्यू होती है। Q1 Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ यहां भी है, ये भी आपको 1.6 × 10⁻¹⁹ है। इस प्रकार से हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ × 1.6 × 10⁻¹⁹ अपान आर स्क्वायर। लेट कर लिया हमने डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा एफ इक्वल टू 9 × 16 × 2.56 × 10⁻¹⁸, नेगेटिव ऐड हो जाएगा अपान आर स्क्वायर। एफ इक्वल 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 50, 9 × 18 = 523, 23.04 × 10⁻¹⁸। और यहाँ पे आपका 9 छूटा हुआ है, प्लस 9 आप कर लीजिए, जिसको आप लिख सकते हैं −29, ठीक है, अपान आर स्क्वायर। इसको और एडजस्ट कर लिया जाए, एफ इक्वल टू 2.304 × 10⁻¹⁹, ये 29 है, एक डिजिट हमने रिप्लेस कर लिया, एक जो है पावर यहां पे ऐड हो जाएगा, प्लस 1 अपान आर स्क्वायर। एफ इक्वल आपको मिलेगा 2.304 × 10⁻²⁸ अपान आर स्क्वायर। अब आप देखिए ये वैद्युत बल आपका मिल गया, अब निकालने गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। कैपिटल जी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻¹⁰, तो यह हो जाएगा 6.67 × 10⁻¹⁰ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ इंटू 9.1 × 10⁻³¹ अपॉन आर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 6.67 × 9.1 × 10⁻¹⁰, ये आपका हो जाएगा 31 और 31 आपका 62 और −11 −72 अपॉन आर स्क्वायर। देखो 9.1 मल्टीप्लाई के लिए 1981 1 18 2 8, तो ये मिल जाएगा 6.67 × 8 2.81, दो डिजिट पर डेसिमल लग जाएंगे, 10⁻¹² अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और भी मल्टीप्लाई कर लें आप 6.67 का भी, 7 6 19, और ये हो जाएगा 57 6 8 16 14 6 8 6 9 4 7 12 18 24 16 4 20 23 9 17 23 9 17 25 15 4 5, यहाँ पे चार डिजिट पर 1 2 3 4, ये रहेगा 5 5 2 0.3427 × 10⁻¹² अपॉन आर स्क्वायर। इसमें दो डिजिट आप बाई तरफ इसको रिप्लेस कर लीजिए, तो 5.52 और इंटू 10⁻¹⁰, यहाँ पे −72 + 2 अपॉन आर स्क्वायर,
ये हो जाएगा 5.52 इंटू 10^-70 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपको कंपेयरिंग करनी है तो इक्वेशन 1/2 एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल 2.304 इंटू 10^-28 अपॉन आर स्क्वायर होल अपॉन 5.52 इंटू 10^-70 अपॉन आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 2.304 अपॉन 5.52 इंटू 10^-28 प्लस 70। यह हो जाएगा 2.304 5.52 × 10^-8 आपको मिल जाएगा 2 और 6 − 2 = 42। इसको डिवाइड करेंगे 0.4 समथिंग जाएगा, एक डिजिट आप इधर ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना 10^43। ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगेगा वो 10^43 गुना हो जाएगा और प्रोटॉन पे जब निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना 10^36 गुना। तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, अब चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम का जो नियम होता है उसका जो महत्व है वो ये है कि वह बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी दूरी के लिए वर्क करता है, काम करता है। इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपका ये है कि सूक्ष्म दूरी और बड़ी दूरी दोनों में कूलम्स लॉ यूज होता है, दोनों के लिए ये जो है अवेलेबल है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक, अब आप चलें इसमें आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र से पहले हम लोग आवेश पढ़ चुके हैं, चार्ज। ठीक, तो आवेश होता है या इसका ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं समुदाय। तो कोई आवेश अथवा ये वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन आपको मिल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो कोई आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, कोई आवेश हो या आवेश समुदाय हो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज हमने ले लिया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज ही है या निगेटिव चार्ज है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो इस ग्रुप इस क्षेत्र को हम यहां पर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये आपकी हो गई वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आप देखें इसी में फिर इफिशियंसी इंटेंसिटी आती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो आप देखें। उससे पहले एक छोटी सी चीज आप जानें कि परीक्षण आवेश क्या होता है, टेस्ट चार्ज जिसको हम क्यू नॉट से इंडिकेट करते हैं, ये आपका टेस्ट चार्ज होता है, परीक्षण आवेश होता है।
इसका मतलब होता है सूक्ष्म आवेश। सूक्ष्म आवेश का मतलब यह है कि इतना सूक्ष्म आवेश है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ले आने पर उस पर कोई इफेक्ट न पड़े। अगर कोई इफेक्ट न पड़े तो ऐसे चार्ज को हम यहां पर परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये एक प्रकार का सूक्ष्म आवेश होता है जिसको हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। यानी सूक्ष्म आवेश जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसको हम परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो ये आपका परीक्षण आवेश हो गया। अब इसमें देखें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो, मान लीजिए कि कोई टेस्ट चार्ज आपका रखा हुआ है और इस टेस्ट चार्ज पर कोई वैद्युत बल वर्क कर रहा है, तो इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। कहने का मतलब यह होता है कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अथवा हम कह सकते हैं इन दोनों की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या आप कह सकते हो कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू जीरो। अब आप देखें फोर्स आपका जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आप यहां वेक्टर लगाएंगे तो ये आपका एफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी, क्योंकि हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं। सदिश में हमने पढ़ा है कि अगर किसी सदिश राशि में अदिश से भाग किया जाए तो उसका भागफल सदिश राशि ही आती है, ठीक है। यानी यफ आपका जो है सदिश राशि हो गई, यफ आपका अदिश राशि हो गई। तो अगर हम अदिश राशि इसमें भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपको एक्सेलरेशन प्राप्त होता है जो कि एक सदिश राशि है। इसलिए फोर्स आपका जो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, क्यू आपकी आपका क्यू जीरो आवेश हो गया, और इसे हम अगर इसमें भाग करते हैं तो आपको एक सदिश राशि प्राप्त होती है जो कि यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता आपकी सदिश राशि होती है। अब आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है? बल की दिशा में। बल की जो दिशा होती है उसी दिशा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। लेकिन कंडीशन आप समझें, मान लीजिए दोनों धनावेश हैं, यहां पर कोई प्लस क्यू कूलम आवेश है, यहां पे टेस्ट चार्ज क्यू जीरो है, दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए बल की दिशा आपकी इधर हो जाएगी एफ। तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा किधर हो जाएगी? इसी दिशा में होगी। लेकिन यदि यहां पर नेगेटिव चार्ज रख दिया, अगर नेगेटिव चार्ज रख दिया जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी पलट जाएगी, यानी उसकी दिशा आपकी इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात है कि डायरेक्शन हम किस प्रकार से क्लियर करें। पहले तो हमें मालूम है कि बल एफ की दिशा जिधर होगी उधर वैद्युत क्षेत्र ई की भी डायरेक्शन आपकी होगी। तो अब आप देखें कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ पॉइंट क्यू जीरो। अब इसके आधार पे हमारे पास यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखो फोर्स, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, कूलम यानी आवेश, इसकी यूनिट होती है कूलम। तो इसके आधार पर तो हम लिख सकते हैं क्या, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। लेकिन न्यूटन को हम लिखते हैं क्या, किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कूलम को लिखते हैं एम्पियर गुणित सेकंड। तो इसके आधार पर आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड, जिसे आप इस प्रकार लिख सकते हो किलोग्राम मीटर होल बाई एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। अब इसके आधार पर डायमेंशनल फार्मूला लिख लेंगे, दिवी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला। तो मास है, मास का सिंबल आपका यम, डिस्टेंस यानी मीटर यल, होल बाई ए और टी पावर थ्री, जिसको लिख सकते हैं यम यल टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन। तो इस तरीके से इसकी आपकी यूनिट हो जाएगी, एक हो गया न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा हो गया किलोग्राम मीटर पर एम्पियर सेकंड क्यूब, और उसकी जो है डायमेंशनल फार्मूला हो गया एम एल टी पावर माइनस थ्री ए पावर माइनस वन। ये आपकी इंटेंसिटी हो गई, आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक है, अब आप देखें इसी टॉपिक में एक छोटी सी चीज है, वैद्युत क्षेत्र आपने पढ़ा, उसी से रिलेटेड आपका पॉइंट है वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखा। ये वैद्युत बल रेखा होती क्या है, पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, जो धन आवेश होता है वहां से ये कंडीशन होती है, नेगेटिव चार्ज पे वैद्युत बल रेखाएं आके मिलती है। तो वैद्युत बल रेखा होती क्या है, एक तरह की काल्पनिक रेखा होती है। क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण, किसी लिंग पर निष्कोण वक्र, जो एकांक धन आवेश का संचरण करता, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र संचरण करता है, आप देख सकते हैं जो एक जिस पर एकांक धनावेश चलता है, साफ साफ लिखिए इसको, काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश चलता, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र में हमने साफ साफ बताया था कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन उसी वैद्युत क्षेत्र में यह बात आ गई कि किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एकांक धन आवेश चलता है, वो आपकी जो काल्पनिक रेखा होती है वो आपकी वैद्युत बल रेखाएं होती है। अब वैद्युत बल रेखाएं जो होती है धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, किस पर समाप्त होती है, यह आपका पॉजिटिव चार्ज है, यह नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, यहां से आपकी जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो आपकी निर्गत होती हैं और यहां पे क्या होती हैं, प्रवेश करती है। एक प्रश्न कह सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी आपकी ये हो गई इसकी वैद्युत बल रेखा के गुण की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि वैद्युत बल रेखाएं धन ध्रुव से निकलकर, कहां से निकलकर, धन ध्रुव से निकलकर, पॉजिटिव चार्ज से निकलकर
ऋण ध्रुव पर समाप्त होती हैं या ऋण ध्रुव पर क्या होती है, प्रवेश करती हैं। ठीक, पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि ये वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेंगी, निगेटिव से प्रवेश करती हैं, एक सिरे से यानी कि एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, उन्हें हम क्या कहते, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और पूर्णतः लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। तीसरी कंडीशन, पूर्णतः लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। वैद्युत बल रेखा क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं वो भी क्लियर हो गया। ये ध्रुव पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव पर प्रवेश करती हैं, या धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव में समाप्त हो जाती हैं, एक दूसरे को कहीं भी काटती नहीं है, पूर्णतः लचकदार डोरी की भांति सिकुड़ने का क्या करती है, प्रयत्न करती है। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान दें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हमने जस्ट अभी बताया E=F/Q0। अब किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आप देखें, कोई बिंदु आवेश है, मान लीजिए ये आपका क्यू कूलम आवेश पॉइंट ओ पर स्थित है, यहां से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, जहां पर स्मॉल टेस्ट चार्ज क्यू जीरो है, यानी कि परीक्षण आवेश क्यू जीरो है, तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, E की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कूलाम के नियम के अनुसार देखो, डायरेक्शन हमने आपको बताया था, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स आपका इधर लगेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। ठीक है, अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो डायरेक्शन ई की जो है चेंज हो जाती, वो इस दिशा में हो जाएगी, ओ की ओर। ठीक, अभी ओपी की ओर है, फिर किधर है, ये कंडीशन ओपी की ओर है, और अगर ये निगेटिव होता तो इसकी कंडीशन क्या हो जाती, पी होगी। ठीक, ये डायरेक्शन इसकी चेंज होगी। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ आपको हमने बताया कि एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम का परावर्तन के है तो के लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, Q1 के क्यू है, Q2 के क्यू नॉट है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो किन इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा कहती है। अब ये एफ की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको मिले क्या, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन R स्क्वायर होल बाई Q0 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर। यदि K इक्वल टू 1 तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ी हुई चीजें आज ये फिनिश हुई। हमने आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और उससे रिलेटेड
वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखा, ये सारी चीज हमने कंप्लीट करा दी। अब इसके बाद कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे आपका जो है रेखीय घनत्व, आयतन घनत्व, क्षेत्रीय घनत्व, इस तरह कंडीशन आएंगी, उसको हम कल जो है या नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।